जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो IMO के चीफ पेटियन हैं और उनसे हम मालूमात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आज हमने इवेंट रखा हुआ था अपना IMO की, हम एक मिलेनियम बुक है उसकी लॉन्चिंग कर रहे थे पाकिस्तान चैप्टर में। इससे पहले हमने दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ में कर चुके हैं इसकी लॉन्चिंग, तो आज हमने पाकिस्तान चैप्टर की इधर लॉन्चिंग की थी और साथ में 14 अगस्त की भी खुशियाँ थी, तो हमने एक साथ उसे बनाना चाहा। इस बुक में तकरीबन आप समझें कि अच्छे खासे जितने भी मेमन पर्सनैलिटीज़ है अराउंड द वर्ल्ड उनकी बायोग्राफी हमने दी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक है। इसके अंदर जितनी भी मेमन आज करंट जमात दुनिया भर में जहाँ भी काम कर रही हैं या एसोसिएशन है, हमने उनको भी कंपाइल करके इसमें डिटेल दी है। और इसके अलावा जितने भी मेमन सर नेम है, इस तरह की दूसरी काफ़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ें रिगार्डिंग मेमन है जो नॉर्मली नहीं मिलती, तो काइंड ऑफ मेमन इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं आप। इसमें काफ़ी मेहनत की हमारे तैयब मुसानी साहब ने, अब्दुल्ला जानू हसन साहब जो हमारे फाउंडर हैं पाकिस्तान चैप्टर के, हमारे आसिफ मजीद साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं सलीम करीम साहब, और जितने भी हमारे दुनिया भर के VPs हैं उन सब ने बहुत मेहनत की है और सब ने स्पॉन्सर भी किया है। तो हम ये अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग पे हमने किया IMO की तरफ से। ये आज चूँकि 14 अगस्त है और हमारी जो है बुक लॉन्चिंग है, मेमन मिलेनियम बुक लॉन्चिंग है, तो उस हवाले से नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस नौजवानों को यही पैगाम हम देते हैं कि जो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहें, एजुकेशन लें, क्योंकि अभी टाइम है एजुकेशन का और दुनिया आगे इसी पे चल रही है। तो हम तो एज ए यंगस्टर्स को यही कहते हैं कि भाई आप एजुकेशन करें और साथ में उसके बाद हम करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप देख रही हैं IMO में, क्योंकि हमने रिसेंटली जो माइक्रो फाइनेंसिंग की थी वो भी उसकी एक करी थी, हम यंगस्टर्स के लिए कर रहे थे। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर रही है पाकिस्तान चैप्टर, और क्रिकेट का भी हमारा सब कुछ प्लान आउट था लेकिन ड्यू टू कोरोना अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, तो हम हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच।